वेल गाइस, जींस परचेज करना चाहते हैं वो भी अंडर 500 रुपीज के अंदर, तो दोस्तों आज ही उसे आप परचेज कर सकते हैं ये सारी जींस जो कि दोस्तों इस वीडियो में अपन अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं। मैंने आज ही पे जाके देखा, ब्रेक पॉइंट्स की काफी सारी जींसेज हैं जो कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 270 रुपीज के अंदर, 399, 299, 499 के अंदर मिल रही है, जो कि दोस्तों मैंने फटाफट से बाय कर ली और वो भी मेरे को डिलीवर हो चुकी है और फटाफट से इस वीडियो के अंदर आपको रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहां पर मेरे हाथ में आप देख सकते हैं दोनों की दोनों जींस है, ब्रेक पॉइंट की वन बाय वन दोनों को रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले नेवी ब्लू कलर के अंदर आने वाले इस जींस को देखते हैं कि कैसी इसकी क्वालिटी है और क्या इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट में देखेंगे तो दोस्तों आपको यहां पर दोनों साइड में डी पॉकेट देखने को मिलेगा, उसके साथ एक मिनी पॉकेट देखने को मिलेगा, उसके साथ दोस्तों आपको यहां पर मेटेलिक बटन देखने को मिलेगा, मेटेलिक बटन के साथ आपको मेटेलिक जिप भी देखने को मिलेगी। फ्रंट में यही कुछ देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों जो स्टिचिंग की गई है वो आपको ये ब्राउन कलर का धागा किया गया है जो स्टिचिंग किया गया है, जो कि दोस्तों एक अलग ही लुक देता है इस जींस को। ज़्यादातर आप देखेंगे तो इसी ब्राउन कलर के ब्लू कलर की जो भी जींस होती है इसी ब्राउन कलर के धागे के साथ स्टिचिंग की जाती है। उसके बाद दोस्तों बैक साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह की लुकिंग आपको देखने को मिलेगी, दोनों साइड में पॉकेट देखने को मिलेगा, ब्रांडिंग देखने को मिलेंगे, बेल्ट हुक देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूरी अगर जींस देखेंगे तो स्लिम फिट यहाँ पर आपको स्किन फिट जींस देखने को मिलती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लुकिंग के साथ आने वाली ये जींस हैं। बात करते हैं इसके मटेरियल के बारे में, इसकी मटेरियल और लुकिंग के बारे में, तो लुकिंग इसकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिलती है। मटेरियल इसमें 75% इसमें कॉटन है, उसके बाद दोस्तों 22% इसमें पॉलिस्टर है और 3% इसमें यहाँ पर लाइक्रा यूज़ किया गया है, जो कि दोस्तों अच्छी क्वालिटी है, स्ट्रेचेबल है और दोस्तों पहनने के साथ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी देखने को मिल रही है। स्टिल दोस्तों साइज में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें, अगर आप 34 पहन परचेज करते हैं तो यहाँ पर 32 इन्होंने सेंड करी है मुझे, जो कि दोस्तों बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। फटाफट से मैं इसको रिप्लेसमेंट कराता हूँ, एक्सचेंज कराता हूँ, उसके बाद वेयर करके भी बताऊँगा कि काफ़ी कंफर्टेबल हैं या फिर नहीं और लुकिंग के मामले में कैसी हैं। उसके बाद बात करते हैं दूसरी जींस के बारे में, तो ये आती हैं ब्लैक कलर के अंदर। उसको अनफोल्ड करते हैं और देखते हैं फ्रंट से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी डी पॉकेट दोनों साइड में, इसमें भी आपको मिनी पॉकेट देखने को मिलेगा, मेटेलिक बटन देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ दोस्तों आपको मेटेलिक जिप भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसमें जो स्टिचिंग की गई वो ब्लैक कलर के धागे से की गई, क्योंकि दोस्तों ऑल यहाँ पर फुल ब्लैक यहाँ पर जींस देखने को मिलती हैं। बैक साइड में देखेंगे तो दोस्तों दोनों साइड में पॉकेट देखने को मिलेंगे, उसके बाद बेल्ट हुक देखने को मिलेंगे, उसके साथ दोस्तों यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। स्टिल यहाँ पर भी जो आपको साइज मिलती है वो भी डिफरेंट मिलती है, मैंने 34 परचेज की थी दोनों ही जींस को, यहाँ पर 32 की यहाँ पर जींस देखने को मिली है और दोस्तों यहाँ पर भी आपको ब्रेक पॉइंट की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। तो ऑल ओवर इस जींस में यही है और दोस्तों ये ब्लैक कलर की जींस है, बट इसका जो थोड़ा सा मेरे को डिसएडवांटेज लग रहा है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है सेम यहाँ पर 75% कॉटन यूज किया गया है और दोस्तों 22% पॉलिस्टर यूज किया गया है, उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो लाइक्रा यूज किया गया है वो 3% के आसपास इसमें भी लाइक्रा यूज किया गया है, जो कि दोस्तों पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो और आपको कंफर्टेबल फील कराएं। बाकी दोस्तों लुकिंग के मामले में मेरे को ये काफ़ी अच्छी लगी है, मटेरियल भी अच्छा है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट, बस साइज इश्यू दोनों ही जींसों में देखने को मिला है। उसके साथ साथ दोस्तों इस जींस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो कलर है वो ऑलरेडी फेड है, यानी कि ये प्योर ब्लैक नहीं है। यहाँ पर देखेंगे जब भी आपको यहाँ पर पास से बता देता हूँ कि ये पूरी एक वाइट वाइट से फील हो रही है और ये जींस ऐसा लग रहा है कि पूरी यूज्ड जींस हो। यहाँ पर देखेंगे ये कलर इसका फेड है, यहाँ पर लग रहा है कि इसको यूज़ कर रखी है, तो ये पूरी वाइट वाइट सी जींस हो रही है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये मेरे को ब्रेक पॉइंट की जो ये ब्लैक जींस है वो काफ़ी बेकार लगी है। बाकी दोस्तों जो ब्लू वाली जींस है उसको मैं 5 में से 5 देना चाहूँगा, क्योंकि उसकी प्राइसिंग के लिहाज से उसकी क्वालिटी भी अच्छी दिख रही है और देखने को मिल रही है और लुकिंग भी काफ़ी गजब की देखने को मिल रही है। अगर बात करेंगे इस ब्लैक वाली जींस का तो इसको मैं सिर्फ 5 में से 2 देना पसंद करूँगा, क्योंकि और ऑल ओवर थर्ड क्लास जींस यहाँ पर देखने को मिली है और 2 जो दिए हैं पॉइंट वो भी दिए हैं इसके मटेरियल की वजह से। बाकी यहाँ पर कोई भी अच्छी क्वालिटी की जींस ये ब्लैक कलर की नहीं देखने को मिली है। अगर दोस्तों ये आप परचेज करना चाहते हैं तो आजियो से जाके आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको काफ़ी ब्रेक पॉइंट्स की जींस देखने को मिल जाएगी।